हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या टेक्निक है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो आप 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एमए क्लासेज। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में एमए क्लासेज टाइप करेंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप में आपको मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का डिफरेंट डिफरेंट कोर्स बनाया हुआ है जिसको आप बाई कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, और वहाँ पर आपको उस कोर्स का सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल क्लासरूम जैसा। साथ में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। इस ऐप का एक स्पेशल फीचर ये है कि उस कोर्स का जो भी डाउट होगा आप चैटिंग के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ एक चैट का ऑप्शन दिया हुआ है उस मोबाइल ऐप में, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। तो आप इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। जैसे आप देखिए, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव एक्स इक्वल टू वाई। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वन है और डिग्री भी वन है। तो 12th क्लास में यही पढ़ना था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना था। इसी का एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री लेवल में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब हो गया कि ऑर्डर भी वन होना चाहिए और डिग्री भी वन होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव का पावर जो है वो एक से अधिक नहीं होगा और एक से अधिक बार डिफरेंशिएट भी नहीं करना है। तो इस फॉर्म में ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस फाइव एक्स। तो आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर जो है वो कोई एक्स वाई का फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इधर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दो वेरिएबल एक्स और वाई का ये फंक्शन हो गया। तो जनरल फॉर्म यही है, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इधर एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म आएगा, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या आप ऐसे देखिए, सपोज कीजिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू सिक्स है, सपोज करते हैं ऐसा। तो ये आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप ये उधर ले जाइए, मान लीजिए यहाँ सिक्स एक्स भी है तो सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई, और ये उधर डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ऐसा भी हो सकता है, ये जो अभी हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स वाई का फंक्शन लिख रहे थे, तो एक्स वाई का फंक्शन ये भी देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई का ही फंक्शन है। लेकिन आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए फाई ऑफ एक्स वाई, न्यूमरेटर में एक एक्स वाई का फंक्शन है और एक डिनोमेटर में एक्स वाई का फंक्शन होगा, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, हो सकता है एक्स और वाई का भी फंक्शन हो। तो जनरल फॉर्म हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखते ही हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या ऊपर भी एक्स वाई का फंक्शन होगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमेटर में भी एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा। तो इसका या तो ये फॉर्म लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस तरीके से ये फॉर्म में या ये फॉर्म में, दोनों अलग कुछ नहीं है, ये भी पूरा एक्स वाई का ही फंक्शन है। तो इस पूरे एक्स वाई के फंक्शन को हम लोग सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म हो गया। लेकिन इसको एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, जरा इसके बारे में समझिए।
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रहने देते हैं और यहाँ पर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स कॉमा वाई यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कैलकुलस से जानते होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई होता है, ये डी वाई, और यहाँ पर फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स कॉमा वाई यहाँ पर डी एक्स, ये आप इधर ले आइए, तो ये इधर ले आएंगे तो साई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई और इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स। अब इसको भी हम लोग इधर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस साई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा माइनस फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है इसको हम लोग एम मान लेते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग एम मान करके लिखते हैं एम इंटू डी एक्स और इसको हम लोग एन मान लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग एन मान रहे हैं, एन इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो हो गया। जहाँ एम और किस एन किसको मान रहे हैं, एम पूरा इसको मान रहे हैं एक्स वाई का फंक्शन है, एन इसको मान रहे हैं ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये दोनों जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो कौन कौन सा फॉर्म हो गया, तीन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या आप ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई साई ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। सब ये एक ही चीज़ है, यहीं से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, इसी से हम लोग ये रिड्यूस करके ऐसे लाए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म हो गया। अब सॉल्यूशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका देखेंगे, टेक्निक देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है चलिए उसके बारे में देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है ये जरा समझिए कि इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई इंटू डी वाई, अगर इस फॉर्म में हम लोग पुट करते, कौन सा फॉर्म है, डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन और डी वाई के साथ वाई का फंक्शन होना चाहिए। अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता रहा था, तो जिसमें बताया था कि फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस साई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में था। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू साई ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई, आप जो भी कहिए, तो ये कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स के साथ एक्स वाई का भी फंक्शन है और डी वाई के साथ एक्स वाई का भी फंक्शन है, डी एक्स के साथ एक्स वाई का फंक्शन और डी वाई के साथ एक्स वाई का फंक्शन, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मीन्स वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है वेरिएबल को। तो डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, अगर ऐसा पॉसिबल हो, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉसिबल नहीं होता है, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स का फंक्शन हो और डी वाई के साथ सिर्फ वाई का फंक्शन हो, यानी कि हम लोग किस फॉर्म में लिख सके फंक्शन को कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स का फंक्शन है और जी वाई इंटू डी वाई, मतलब डी वाई के साथ सिर्फ वाई का फंक्शन है। तो अगर वेरिएबल को सेपरेट कर सके तो देन वी से दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो यह कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं हम लोग लिख सकते फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को, लेकिन अगर किसी को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन बड़ा आसानी से निकल जाएगा। पहले हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट जो ऐड करेंगे कोई एक साइड ऐड करना है, या आप यहाँ ऐड कीजिए या यहाँ ऐड कीजिए, कहीं पर भी दोनों साइड ऐड नहीं करना है। क्यों, मान लीजिए आप दोनों साइड ऐड कर दीजिए, इधर भी सी वन ऐड कर दीजिए और इधर भी सी टू ऐड कर दीजिए, सपोज कर लेते हैं, तो सी वन को आप उधर ले जाइए तो ये उधर चला जाएगा, तो सी टू माइनस सी वन,
तो C2 माइनस C1 क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो जाएगा दोनों मिलकर के, तो इस कांस्टेंट के बदले हम लोग C लिख दिए। तो यहाँ पर दोनों साइड को कांस्टेंट नहीं ऐड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, और वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। किसी एक साइड कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस साइड ऐड करें, इस साइड भी ऐड कर सकते हैं। और कांस्टेंट जो है वो हम लोग यहाँ पर सी भी ऐड कर सकते हैं या लॉग सी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में लॉग सी या सी बाई टू या सी स्क्वायर, तो कोई भी हम लोग कांस्टेंट यहाँ ऐड कर सकते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, तो प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ पर क्या कांस्टेंट ऐड करना है। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा समझिए इसके बारे में। हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करने का, मतलब एक्स का फंक्शन को अलग और वाई का फंक्शन को अलग करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ई टू द पावर माइनस वाई, इसको नीचे ले आएंगे तो ई टू द पावर प्लस वाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम लोग e टू द पावर एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों से e टू द पावर y है, दोनों में e टू द पावर y एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट हो गया, x का फंक्शन ऊपर आ गया, y का फंक्शन नीचे। आप इसको इधर ले आइए, dy के साथ y का फंक्शन आना चाहिए, तो e टू द पावर y इंटू dy, और dx को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक्चुअली dx उधर जाता कैसे है, हम लोग इधर भी dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy by dx into dx को हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं dy, और यहाँ पर dx जो कहते हो एक्चुअली होता ऐसा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, वाई के साथ वाई का ही फंक्शन है और एक्स के साथ एक्स का ही फंक्शन है। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं ई टू द पावर वाई डी वाई, और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट जब इंटीग्रेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर e टू द पावर y का इंटीग्रल e टू द पावर y ही होगा, और e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यू डिवाइडेड बाय 3 आएगा, और साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में dy के साथ सिर्फ y का फंक्शन और dx के साथ सिर्फ x का फंक्शन, और उसके बाद हम लोग ये काम कर लेने के बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में के बाद जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट जो है वो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर रहेगा तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें होना चाहिए इन्वॉल्व, तब उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का था तो एक ही ऑर्डर है, इसीलिए एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए सॉल्यूशन में, तो ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर सी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू बैठा दीजिए, मान लीजिए सी का वैल्यू जीरो बैठा दे देंगे, तो जीरो बैठा देने तो ये गायब हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा, तो ये जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। या फिर सी का वैल्यू वन पुट कर दीजिए तो जो सॉल्यूशन आएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन जनरली क्वेश्चन में निकालने देता है, सॉल्व लिखा हुआ है मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहाँ पर होना चाहिए। तो ये हो गया सॉल्यूशन, हम लोग पढ़े हैं अभी वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद आप थोड़ा और रिवीजन कर लीजिए 12th क्लास का जो पढ़े हैं, उसके बाद फिर डिग्री लेवल का जो है यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो आगे मैं बढ़ता हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताता हूँ कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ़ ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर ईच टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई आर ऑफ सेम डिग्री। क्या है कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन एक्स वाई का, डिनोमेटर में भी कोई फंक्शन एक्स वाई का, और न्यूमरेटर और डिनोमेटर का प्रत्येक टर्म जो है वो सेम डिग्री का होना चाहिए, वेयर ईच टर्म ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर ऑफ सेम डिग्री। अगर ऊपर और नीचे का प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम हो तो देन इट इज़ कॉल्ड ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे जरा समझिए इस एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है एक्स क्यू वाई सॉरी एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई का फंक्शन है, न्यूमरेटर में, डिनोमेटर में भी एक्स वाई का फंक्शन है। और आप डिग्री चेक कीजिए, डिग्री क्या है इस टर्म का, इस टर्म का डिग्री, डिग्री कैसे बताते हैं हम लोग, अगर दो वेरिएबल है तो दोनों के पावर को ऐड करके डिग्री लिखते हैं, तो इसका पावर है 2 और इसका पावर है 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3, इस टर्म का डिग्री 3 हो गया। यहाँ पर इस टर्म का देखिए कि वेरिएबल के पावर को ऐड करना है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर है 2, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। इस टर्म का भी डिग्री 3 हो गया, इस टर्म का भी डिग्री 3 हो गया, नीचे भी x का पावर 3 है, थर्ड डिग्री का है टर्म, ये भी थर्ड डिग्री का टर्म है। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम हो, ऊपर भी और नीचे भी, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो ये कौन सा फॉर्म अभी बताएं कि dy/dx = f(x,y) / g(x,y) इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में भी प्रत्येक टर्म, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, तब इसको कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, dy/dx यहाँ रहने देते हैं, इसमें जो भी डिग्री है उतना पावर x का कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पर थर्ड डिग्री का टर्म है तो x का पावर 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो x का पावर 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर है यहाँ पर, और ले रहे हैं एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो क्या कीजिए आप y/x कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करके x से ये कट जाएगा, तो x² × y आएगा। यहाँ पर सिर्फ x है और हम लोग ले रहे हैं एक्स क्यूब, तो ऐसा करते हैं 2 रहने देते हैं y² और ÷ x² कर दीजिए, क्योंकि x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ हो जाएगा जो कॉमन आ गया, और x² से डिवाइड भी कर दिए। यहाँ पर भी आप x³ कॉमन ले लीजिए, तो x³ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 + y³ / x³ हो जाएगा। तो ये x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dy/dx = क्या बच रहा है, y/x + 2, यहाँ पर लिख सकते हैं आप y/x² और नीचे 1 + y/x³। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं dy/dx = अब देखिए ये y/x का फंक्शन है, जहाँ पर भी वेरिएबल है उसमें y/x ही वेरिएबल है, तो आप इसको कह सकते हैं कि F(y)x मतलब y/x का फंक्शन होना चाहिए। तो dy/dx = अगर y/x का फंक्शन आ जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही फॉर्म हो गया। अब देखिए अभी हम लोग x का पावर 3 को कॉमन लिए थे, अगर y का पावर 3 को कॉमन ले, यहाँ पर आप y का पावर 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये y/x का जो फंक्शन आया है वो कौन सा फंक्शन आ जाएगा, dy/dx = आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग जी कर देते हैं, g(x/y) आ जाएगा। ये y/x आया था कब, जब x³ कॉमन लिए, अगर y³ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/y का फंक्शन हो जाएगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं y/x का फॉर्म में, या फिर x/y का फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं dy/dx का जो भी वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस किए हैं तो यहाँ y/x को हम लोग भी पुट करते हैं, y/x को भी पुट की मीन्स y = क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। या अगर इस फॉर्म में हम लोग अगर एक्सप्रेस किए हैं x/y का फंक्शन है, तो x/y के जगह हम लोग यहाँ पर भी एक वेरिएबल पुट करते हैं, अगर इस फॉर्म में पुट कर दिए तो x = हो जाएगा v(y). तो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म में, कभी कभी ये y/x का फंक्शन दिया हुआ रहता है या x/y का फंक्शन दिया हुआ रहता है। तो देख लेना है कि y/x का फंक्शन है तो y = vx पुट कर देना है, अगर x/y का फंक्शन है तो x = vy पुट करना है। ये पुट करने के बाद फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि सच टाइप ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन y = vx। y = vx हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इसको रिड्यूस कर देते हैं वेरिएबल सेपरेबल में, और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे ये सारा काम करते हैं चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, x(dy - y)(dx) = √_x² + y²(dx). कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग dy/dx = इधर न्यूमरेटर / डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x(dy) यहाँ पर रहने दीजिए और इसको आप उधर ले जाइए, तो √x² + y²(dx) दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो +y(dx) ये फॉर्म में आ गया, dx यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिए,
तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाई उधर जा करके पॉजिटिव हो गया। अब डी एक्स को आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये इधर ले आइए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, रूट अंडर भी करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यानी कि एक्स का पावर वन हो जाएगा, डिग्री वन हो गया, इसका भी डिग्री वन हो जाएगा, इसका भी डिग्री वन हो जाएगा और नीचे का भी डिग्री वन है, तो ये फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, हम लोग पुट करते हैं वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई के जगह वी एक्स पुट कर देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू वी में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो पहले v को रहने देते हैं, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 प्लस x रहने देते हैं और v का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, v इंटू 1 इक्वल टू v ही होगा। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पर अब देखिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के जगह हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस वाई है, वाई का वैल्यू वी एक्स और डिवाइडेड बाय फिर यहाँ पर है एक्स। अब ये वी को आप उधर ले जाइए तो यहाँ पर एक्स इंटू डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स आ रहा है, और देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट अंडर लेंगे तो एक्स, और यहाँ रूट अंडर में बचेगा क्या, वन प्लस वी स्क्वायर और प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है, और इस वी को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस वी। अब दोनों से आप एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर बच रहा है एक्स इंटू डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू, आप अगर एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रहने दिए और एक्स कॉमन ले लेते हैं तो रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी और डिवाइडेड बाय एक्स है और माइनस भी है। अब देख रहे हैं डिवाइडेड बाय एक्स है और फिर माइनस भी है, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है एक्स इंटू डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर प्लस भी और माइनस भी, माइनस भी से प्लस भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा, आप इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर और ये डी एक्स उधर ले जाते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो आप देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो हम लोग जब हम लोग ये सब्सटीट्यूट किए वाई इक्वल टू वी एक्स तो रिड्यूसेबल हो गया, रिड्यूस हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब डी वी के साथ सिर्फ वी का फंक्शन है, डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स का फंक्शन है। अब इसको हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद देखिए क्या करते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला है वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वी प्लस रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 बाई एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है और साथ में कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो अगर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टर्म्स जो है वो लॉगरिथम में होता है तो कांस्टेंट भी जो ऐड करते हैं वो लॉग सी ही ऐड करते हैं, यहाँ दो टर्म है दोनों लॉगरिथम में है तो यहाँ पर हम लोग लॉग ऑफ मॉड सी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी प्लस रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर रहने देते हैं और लॉग इन प्लस लॉग इन के फॉर्मूला से लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स इंटू मॉड सी, दोनों साइड से लॉगरिथम को ओमिट कर सकते हैं, ओमिट कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा मॉड ऑफ वी प्लस रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों का मॉडुलस को एक साथ लिख सकते हैं मॉड सी एक्स, दोनों साइड से मॉड को भी हम लोग हटा सकते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा वी प्लस रूट अंडर वन प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स। अब v का वैल्यू पुट कर देते हैं, v का वैल्यू क्या है, आप देखिए हम लोग पुट किए हैं y इक्वल टू वी एक्स तो ये x इधर ले आएंगे तो v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स, तो v का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा सी एक्स। यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये y बाय x रहने देते हैं और प्लस आप देख रहे हैं रूट अंडर है एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू सी एक्स, तो ये y बाय x रहने देते हैं, ये ऊपर का रूट अंडर को जो कहते हैं रहने दीजिए और नीचे का रूट अंडर स्क्वायर के साथ से हट जाएगा इक्वल टू सी एक्स,
ये x प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं y, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें से हम लोग पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन न्यूमरेटर में, डिनोमेटर में भी एक्स वाई का फंक्शन, चेक कर लेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमेटर में सेम डिग्री का टर्म है या नहीं, प्रत्येक टर्म सेम डिग्री का होना चाहिए। अगर है तो होमोजीनियस में है, होमोजीनियस में है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, और y इक्वल टू वी एक्स पुट करके वो रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में, और उसके बाद फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वो हम लोग आंसर लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी y इक्वल टू वी एक्स की जगह हम लोग x इक्वल टू वी वाई भी पुट करके बनाना आसान होता है, तो वो भी काम करते हैं। तो आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन वेरिएबल ये होमोजीनियस से। अब एक और फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस कैपिटल पी इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल क्यू। इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जहां पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू क्या होगा, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। ये दोनों जो है वो एक्स का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के बारे में समझिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, सपोज कीजिए ऐसा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया, पी की जगह यहाँ पर क्या है, कैपिटल पी के जगह है एक्स स्क्वायर और कैपिटल क्यू के जगह है ई टू द पावर एक्स, दोनों जो है वो एक्स का फंक्शन है, या तो एक्स का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, या एक और फॉर्म होता है, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के जगह अगर डी एक्स बाई डी वाई रहे तो जहाँ वाई है वहाँ पर एक्स हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ पर वाई हो जाएगा। पी होता था यहाँ पर क्यू और पी और जो है वो दोनों एक्स का फंक्शन होता था, इस फॉर्म में अगर रहे तो पी और क्यू जो है वो वाई का फंक्शन होना चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई और कांस्टेंट हो सकता है, ये वाई का फंक्शन या फिर कांस्टेंट। जैसे एक एग्जांपल के बारे में समझिए, यहाँ पर मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर वाई, इस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। देखिए डी सॉरी यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई होगा, डी एक्स बाई डी वाई, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो गया, पी और क्यू जो है ये वाई का फंक्शन है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है। आप सिर्फ रिजल्ट याद रखिएगा, y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor with respect to x plus c, ये जो है ये इस रिजल्ट से हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और अगर इस फॉर्म में रहा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर लिखते थे e to the power p और x के रिस्पेक्ट में, वहाँ पर लिखेंगे e to the power integral of p with respect to y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और ये जो सॉल्यूशन था वही सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, लेकिन अंतर होता है y की जगह x हो जाता है, जहाँ x था वहाँ पर y हो जाता है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग करते हैं सॉल्व। सपोज कीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये अभी फिलहाल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो उस फॉर्म में लाते हैं तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक्स से। तो इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर एक से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे ये फॉर्म में है या नहीं चेक करते हैं, तो लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में है ये, ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर कैपिटल पी क्या है, कैपिटल पी जो है देख रहे हैं 1 बाई एक्स हो जाएगा, और कैपिटल क्यू क्या है, लॉग एक्स है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और पी का वैल्यू है 1 बाय एक्स इंटू एक्स डी एक्स, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स, और ये आप लोगों को लॉगरिथम में पता होगा लॉग एक्स टू द बेस ई हो जाएगा।
आप पढ़े होंगे कि इसका जो वैल्यू है वो सिर्फ क्या होता है, x होता है e का पावर log x टू द बेस e का वैल्यू सिर्फ x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकल गया। अब हम लोग इसको नंबर वन कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। नाउ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन इंटीग्रेट वी गेट, यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट वी गेट, देखिए क्या मिलता है। फॉर्मूला में बताया था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस साथ में एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल कर रखे हुए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स है और यहाँ पर क्यू, क्यू का वैल्यू है लॉग एक्स है, तो यहाँ पर लॉग एक्स लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ हो गया एक्स इंटू वाई और यहाँ पर इसको x इंटू लॉग एक्स लिखते हैं और प्लस सी। अब आपको करना क्या है, बाई पार्ट से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बाई पार्ट से आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, जो सॉल्यूशन आएगा वही, जो रिजल्ट आएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सिर्फ 12 क्लास में जो आप पहले से पढ़े हैं उसको एक रिवीजन करवा दिया हूँ, तीन टाइप का, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा भी और कुछ था, जैसे वेरिएबल सेपरेबल के अलावा था रिड्यूसेबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस के बाद था नॉन होमोजीनियस भी और लीनियर के बाद था रिड्यूसेबल इंटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब भी फॉर्म पढ़े होंगे आप, तो एक थोड़ा सा एक रिवीजन था। अब मैं डिग्री लेवल का जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से जहाँ से स्टार्ट होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से मैं बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।